सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सो आज की वीडियो में बात करेंगे स्कोडा की अपकमिंग एसयूवी स्कोडा कुशक के बारे में, जो कि 2021 में अभी लॉन्च होने वाली है काफ़ी जल्द। सो ये आज जो इसी के बारे में आपको बताऊंगा कब लॉन्च होगी, क्या कुछ प्राइसिंग है जो है, क्या कुछ इसके फीचर्स होने वाले हैं। सो हर चीज़ के बारे में जो है आज की वीडियो में बताऊँगा। सो वीडियो को जो है तक देख लेना, छोटी सी वीडियो है, बाकी चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूँ कि स्कोडा ने जो है कुछ दिन पहले एक टीजर लॉन्च किया है, जिसमें कि साफ साफ उन्होंने शो किया है कि वो जो है अपनी स्कोडा कुशक को जो है लॉन्च करेंगे समर में, समर 2021 में। तो यहाँ पे जो आप समझ सकते हो कि मार्च या फिर अप्रैल के मंथ में जो है लॉन्च हो सकती है। एंड जो रूमर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है इसके जो लॉन्च है वो जो है मार्च में होने वाली है। सो मार्च में जो है लॉन्च हो सकती है मे बी। बाकी जो है आपको बता दूँ, इसकी कुछ वीडियोज़ वगैरह लीक हुई है, वीडियोज़ वगैरह जो है इसकी टेस्टिंग के दौरान लीक हुई है। आप देख सकते हैं कुछ जो इसकी वीडियोज़ हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, जिसमें कि आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं, बट फिर भी जो है स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि गाड़ी जो है कैसी है कैसी नहीं है, एंड जो है रोड प्रेजेंस इसकी कैसी लग रही है। बाकी बता दूंगा ये जो है काफी मस्कुलर होने वाली लुक्स में, एंड जो है काफी शार्प डिजाइन आपको देखने मिलेगा। ये जो है 2020 ऑटो एक्सपो में जो है शोकेस किया गया था इसको, जब तो इसका एक कॉन्सेप्ट मॉडल था, लेकिन अभी जो है इसका प्रोडक्शन मॉडल आने वाला है जल्दी। आपको बता दूं ये जो है डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देने वाली आपके एम जी हेक्टर, टाटा हैरियर एंड जो है सेल्टोस वगैरह को, और बाकी आपकी निसान की किक्स वगैरह होगी और क्रेटा वगैरह, इन सबको जो है डायरेक्ट टक्कर देने वाली है। टक्कर तो देखेंगे देगी या नहीं देगी, वो तो लॉन्च के बाद पता चलेगा। भाई स्कोडा की जो इतनी गाड़ियां कामयाब नहीं है इंडियन मार्केट में, क्योंकि जिसकी जो गाड़ियां वो प्रीमियम होती हैं, जो है थोड़ी सी कॉस्टली भी होती है अदर सेगमेंट्स अदर कार्स से। सो यहाँ पे जो है देखते हैं कैसी चलती है गाड़ियां, क्या कुछ इसकी प्राइस निकल के आएगी उसके बारे में आपको बताऊंगा। इंजन के बारे में बात करते हैं, जिसमें जो है आपको दो इंजन ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला जो है 1 लीटर पेट्रोल इंजन, जो कि आपको स्कोडा रैपिड में करंटली जो है देखने को मिलता है, वही सेम इंजन जो इसमें आपको देखने मिलेगा। सेकंड जो है 1.5 लीटर का आपको टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी में। आपको बता दूँ जो 1 लीटर पेट्रोल इंजन है उसमें जो है आपको 110 BHP की पावर देखने मिलेगी, एंड जो टर्बो इंजन इसका 1.5 लीटर का पेट्रोल, उसकी जो पावर है वो लगभग 150 BHP के अराउंड है। सो पावरफुल इंजन होने वाला है, जो टर्बो मॉडल होगा वो जो काफ़ी पावरफुल होने वाला है, जिसमें कि आपको 7 स्पीड का DCT गियरबॉक्स देखने को मिल सकता है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। फीचर्स के बारे में बात करूं, फ्रंट में जो आपको फुली LED हेडलाइट, नीचे के साइड में जो आपको पार्किंग सेंसर्स वगैरह देखने मिल जाएंगे, उसके अलावा जो आपके LED DRL, LED फॉग लैंप्स, ये सब जो है फ्रंट में आपको देखने मिलेंगे। रियर की साइड में बात करूं, आपको जो है रियर में LED टेल लाइट्स देखने मिल जाएगी, उसके अलावा जो आपको रियर में वाइपर देखने मिल जाएगा, नीचे जो आपको पार्किंग सेंसर्स देखने मिल जाएंगे, रिफ्लेक्टर्स देखने मिल जाएंगे, एंड जो आपको एक स्पॉयलर भी देखने को मिलेगा, उसके अलावा जो आपको डिफोगर वगैरह, ये सब जो है बेसिक फीचर्स जो कि आपको हर कार में देखने को मिल जाते हैं आज के टाइम में, मैग्नाइट में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं इस इंटीरियर के बारे में, अदर कुछ फीचर्स के बारे में, यहाँ पे जो है सबसे पहले तो आप देख सकते हो 17 इंचेस के जो आपको इसमें अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं। कीलेस एंट्री आपको गाड़ी में देखने मिलेगी, फुली डिजिटल जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने मिलेगा, जिसमें कि आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपको जीप कंपास में मिलता है, वैसा ही जो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो है 10.4 इंच का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इस गाड़ी में देखने मिलेगा, जो कि आपको हेक्टर वगैरह में देखने मिलता है। यहाँ पर जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी, उसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल जो इसके ORVMs वगैरह, एंड जो है और भी काफ़ी सारे आपको इसमें फीचर्स मिलेंगे। सो कहने का मतलब है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी होने वाली है ये स्कोडा की तरफ से, काफ़ी चेक SUV में बोल सकता हूँ। बिकॉज अभी से ज़्यादा कुछ तो इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट जब इसके जो सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी तो आपको जो है एक और वीडियो देने वाला हूँ, जिसमें आपको हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। आपको बता दूँगी इसका जो इंटीरियर है वो काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन किया जाएगा, जो अपने यूथ है उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे जो है काफ़ी स्पोर्टी दिखने में है, एंड जो है काफ़ी स्पोर्टी इसका इंटीरियर होने वाला है, जैसा कि ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। सो देखते हैं कैसा जो इसका डिज़ाइन होने वाला। आपको बता दूँगी इस गाड़ी में आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग मिलेगा, जिसमें कि आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह, बाकी सब म्यूजिक कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ जो है इसमें देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो है ड्राइविंग मोड्स आपको इसमें मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक हैंडब्रेक जो इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा, सनरूफ वगैरह जो है गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएगी, पैनोरमिक सनरूफ, उसके अलावा जो है 360 कैमरा देखने को मिल जाएगा, ऑटोमेटिक आपको IRVM से इसके देखने को मिलेंगे, वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाएगा, उसका जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम है उसमें जो है आपको एप्पल कारप्ले एंड जो है आपको एंड्रॉयड ऑटो का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सो फीचर्स तो जो है काफ़ी अच्छे मिलेंगे इस गाड़ी में, ये सब जो है नॉर्मल फीचर्स है जो कि आजकल गाड़ियों में मिलते हैं। सो ये सब तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, बाकी एक्स्ट्रा भी कुछ आपको फीचर्स मिल सकते हैं, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह,
सो ये सब तो जो है आपको बाद में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो है ये कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी लीक हुई थी, ज़्यादा कुछ जो है इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई है, बिकॉज इन्होंने जो है टीज़र लॉन्च किया है जिसमें सिर्फ यही लिखा गया है कि ये जो अपनी इस गाड़ी को समर में लॉन्च करेंगे। तो देखते हैं क्या ये समर के लिए ही बनी है और क्या ये समर में ही लॉन्च होती है। सो होगी तो समर में ही लॉन्च, बाकी इस बता दूँ इसके लॉन्च के बारे में मार्च 2021 में जो आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब आज से लगभग 1-2 महीने बाद आपको इसका लॉन्च देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो प्राइस जो है इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है 10 लाख से स्टार्ट होगी, 16 लाख तक जो इसके टॉप मॉडल की प्राइस जाएगी। बाकी ये कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन थी, कोई और आपके डाउट्स हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, नीचे जो है लिंक दे दिया है, जाके जल्दी से मैसेज करो, आपके जो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।